सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एलसीएम का आया, और जो भी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है एक एक टाइप का दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच क्वेश्चन इंक्लूड किया है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप जवाब देना शुरू करिएगा, सारे बच्चे जवाब देना शुरू करिएगा, मेरा भी नाम ले लीजिए प्लीज, सब ठीक ठाक है, सब ठीक दिख रहा है अनुज कुमार, अरे बहादुर, सबका नाम ले लिए, धीरे धीरे सबका मैं नाम ले लूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे बहादुरों, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबका नाम ले लूंगा, चिंता मत करो। आ जाओ फटाफट सारे बच्चे, पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका था, इजी टू हार्ड लेवल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, इजी टू हार्ड लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन में कहता है कि चार अलार्म की घड़ियां 3, 4, 5, 8 मिनट के अंतराल पर बजती है, यदि वे एक साथ 6 बजे बजी हो तो अब वे एक साथ कितने बजे बजेंगे, अब वे एक साथ कितने बजे बजेंगे। बोले सर ये तो आप पहला क्वेश्चन ही लॉलीपॉप ले आए, इसका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए, इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि एलसीएम निकालिए, लेकिन बोलिए कि सर आप शॉर्ट वीडियो डाले थे, और ये जितने भी क्वेश्चन है बीबीआई बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को ही मैंने सेलेक्ट किया है। तो जब कभी यातायात की बतियां हो, मंदिर की घंटियां हो, या मेरे शेर बहादुर हो, वृत्ताकार मार्ग पर लोग चल रहे हो, तो निश्चित रूप से यहां बोलेगा नहीं, लेकिन आपको एलसीएम निकालना है। आपको क्या करना है मेरे शेर बहादुर, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे जैसे 3, 4, 5 और 8, 3, 4, 5, 8 का एलसीएम कितना होगा, हमें तो लग रहा है 120 होना चाहिए, मिनट है तो 120 मिनट हमें लग रहा है 120 होना चाहिए, नहीं तो आप देख लीजिए एलसीएम क्या होता है, वह संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से कट जाए, तो 8 × 5, 8, 5, 40 से 120, 4 से काहे नहीं गुना किए, क्योंकि 4 खुद 8 में आ रहा है, तो यहां पे मेरे बहादुरों 120 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 2 घंटे आंसर आ गया। यदि क्वेश्चन पूछा होता कि अभी सभी एक साथ बजा है तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेगा, पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेगा मेरे बहादुरों, तो 2 घंटे बाद, लेकिन बोल रहा है 6 बजे बजा है, तो 6 बजे में जब हम 2 घंटा जोड़ेंगे तो 8 नहीं बजेगा, यानी 8 बजे पुनः एक साथ, 8 बजे पुनः एक साथ, मेरे सारे शेर बहादुर का आंसर सही है, 8 बजे पुनः एक साथ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पीडीएफ आपके बैच में ही मिलेगा, पीडीएफ आपके बैच में ही प्रोसेस में डाल दिया गया है, 10 मिनट में चला जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके फाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा। बहुत अच्छे, शाबाश, हमसे नाराज है का गुरुजी, ओम मौर्य वंशी, अरे भाई ऐसा कैसे होगा, नाराज तुमसे कैसे हो सकते हैं, सिलेक्शन होगा धान में, खेत में, धान के खेत में दौड़ा दौड़ा के मारना है तुम लोग को, तो कैसे नाराज की बात ही नहीं है, चलो बढ़िया है, चकाचक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सुपर फास्ट अंदाज में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाओ, कमाल का क्वेश्चन है, 3 घंटियां 10, 15 और 20, एक क्वेश्चन में नहीं सीखोगे, कितना भी खतरनाक, कोई ऐसा खतरनाक क्वेश्चन नहीं है जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, बड़ा से बड़ा खतरनाक से खतरनाक चैप्टर को इंक्लूड किया, और जो भी क्वेश्चन आएगा कम से कम 2 या 3 आएगा, 100% आप सीख पाइएगा। तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है कि 3 घंटियां 10, 15, 20 मिनट के अंतराल पर बजती है, यदि तीनों घंटियां 5 PM पर एक साथ बजे तो अब वे एक साथ कब बजेगी। बोलिए सर कमाल करते हैं आप भी, 10, 15 और 20 का एलसीएम कौन नहीं जानता, फिर से मैं बोलता हूं, क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ है कि एलसीएम ज्ञात करिए, नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने नोट्स लिखाया और हर क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि यदि कोई काम अभी हुआ और पुनः दोहराने की बात किया जाए, चाहे मंदिर की घटियां हो, यातायात की बतियां हो, या वृत्ताकार मार्ग पे लोग हो, पुनः दोहराने की बात किया जाए तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं मेरे शेर बहादुरों, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे किसका, 10 का, 15 का और 20 का। कौन नहीं जानता है कि इसका एलसीएम 60 होगा, बच्चा बच्चा जानता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए मेरे बहादुरों वो एलसीएम। तो 60 मिनट है, तो 60 मिनट को एक घंटा नहीं लिख सकते, तो बोलिए 5 PM बजा है और एक घंटा के बाद पुनः बजेगा, तो कौन नहीं जानता है कि 5 और 1 6 PM बजेगा।
5:06 PM बजेगा, ऑप्शन नंबर डी। बताइए किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो, कमेंट को उसको भी थोड़ा ना बड़ा करना होगा। ऐसे तो यहाँ पर से हम देख लेते हैं, आज भर रहने दो, रहने दो, अभी कुछ छेड़छाड़ मत करो, मूड हो गया है पढ़ाने का, मन से पढ़ाने दो, सबका हो गया। चलो आ जाओ मेरे बहादुरों। कृष्णा कुमार कर रहा, सर हम आपसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा भाई बढ़िया है, करना भी चाहिए। सर हार्ड क्वेश्चन लाए बोले थे, अरे महाबकलोल, अब हार्ड क्वेश्चन का मतलब ही थोड़ी ना कि ऐसा क्वेश्चन टोटल आवे जो तुमसे बनवे नहीं करे। सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो हार्ड रहे चाहिए जी, सब तो हम लाइवे ना करेंगे, चिंता काहे कर रहे हो आप। एक के दो क्वेश्चन में वो भी आ गया, जब भागना शुरू होगा ना तब तुम लोग को बताएंगे, धान के खेत में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। जब दिमाग घूमने लगेगा तो फिर लाइव छोड़ देता है बहुत सारा बच्चा। एक दो को क्वेश्चन इजी आ गया, बस इसको लगने लगा कि अब इजी है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दो हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीन अलग अलग घड़ियों से अलार्म, फिर से वही क्वेश्चन, अभी आपको जवाब देना है। हर 2, 4, 6 घंटे के बाद बजते हैं, यदि घड़ियों का एक ही समय में शुरू किया जाता है तो अलार्म 3 दिनों में एक साथ कितनी बार बजेगी। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया ना, तो ऐसा नहीं है हर चैप्टर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को उठाया गया है, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि तीन अलग अलग घड़ी है, जो 4 घंटे 6 घंटे 2 घंटे 4 घंटे और 6 घंटे 2 घंटे 4 घंटे और 6 घंटे बाद बचते हैं, तो तुरंत हम इसका पहले तो एलसीएम निकाल लेंगे। 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे का एलसीएम 12 घंटे हो गया, तो 12 घंटे में पुनः एक साथ बजेंगे। तो तीन अलग अलग घड़ियों से अलार्म हर 2 घंटे 2, 4 और 6 घंटे के बाद बजते हैं, तो पुनः एक साथ बजने की बात किया जाए तो एलसीएम निकाल लेंगे। यदि घड़ियों को एक ही समय में शुरू किया जाता है तो अलार्म 3 दिनों में, तो सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि 12 घंटे में एक बार बजेगा, 12 घंटे में एक बार पुनः बजेगा। तो बोल रहा है 3 दिनों में, तो 3 दिन को घंटा मर लेंगे तो 24 या 72 हो जाएगा। अब 12 घंटा में बज रहा है तो 12 6 72 यानी 3 दिन में कई बार बजेगा, 6 बार बजेगा। 3 दिन में कितना बार बजेगा, 6 बार। सभी शेर बहादुर का आंसर आ गया, 3 दिन में 6 बार। कहीं पर से किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सबका आंसर सही आ रहा है, बढ़िया है, चकाचक। अरे पीडीएफ डाला जाएगा, स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है तो स्क्रीनशॉट अलाउ कराएंगे, अभी उसमें बहुत सारा सेटिंग और अपडेट बाकी है, 2-4 दिन में आ जाएगा, चिंता नहीं करो राजा बाबू। और हर चीज का स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में काहे ला रहता है, समझ में आ रहा है, पढ़ो बस हो गया। आ जाओ ये वाला क्वेश्चन तो और फेमस है, ये कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है जिसमें कि नहीं पूछा गया है। आप लोग में से तो बहुत सारे बच्चों को आंसर याद हो गया होगा इसका, इतना बार शिफ्ट में अवे किया है, प्रीवियस में भी 2700 और 3200 में। लगता है कि एलसीएम एससीएफ से क्वेश्चन उठाना रहता है, तो एग्जामिनर को सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पसंद है। किसी क्रॉस सेक्शन पर चौमोड़ होता है ना, चारों तरफ से आ रहा है गाड़ी तो चौमोड़ होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका लाइट क्रम से 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड पर परिवर्तित होता है, यदि वे एक साथ 9:15 पर परिवर्तित हुई हो तो अगली बार पुनः कब एक साथ परिवर्तित होगी, अगली बार पुनः कब एक साथ परिवर्तित होगी, समझ रहे हैं। तो बोले सर अबरी अगली बार पुनः बोल रहा है तो तुरंत हम लोग 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालेंगे। अब छोटा रहता है तो हम सभी जानते हैं कि कौन संख्या जो सभी से कट जाए एलसीएम निकाल देते हैं, लेकिन मेरे शेर बहादुर ये बड़ा है तो अब हम इसका एलसीएम निकालें तो कैसे निकालें। तो एलसीएम निकालने के सबसे सटीक तरीका, शाहबाज फैक्टर में तोड़ो और छोटा छोटा राशि को सबको क्या कर दो, गुणा कर दो। तो शाहबाज फैक्टर में तोड़ते हैं, 48 को हम लोग तोड़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा 16 3 48, 72 को तोड़ते हैं तो 9 8 72, शाहबाज फैक्टर में तोड़ेंगे 28 को 27 गुना 4, 108 को 27 गुना 4, शाहबाज फैक्टर में तोड़ेंगे, बड़ा बड़ा फैक्टर को गुना कर देंगे, यही तो एलसीएम है, बहुत आपको सिखा चुके हैं। तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, 27 हो गया सबसे बड़ा, अब 27 गुना कर दिए तो 9 और 3 की जरूरत ही नहीं है, उसके बाद हम लोग का 16 हो गया, अब 4 और 8 की जरूरत नहीं है, 16 7 112 के 2 बच कितना गया, बच गया 11 16 32 11 43 400 सेकेंड,
कितना सेकंड मेरे बहादुरों, 432 सेकंड, इसको 60 से भागा देंगे तो मिनट में, साक्षा कभी आली 7 मिनट 12 सेकंड। बहुत सारे बच्चों को आंसर याद होगा 7 मिनट 12 सेकंड। कई बजे से? तो 9:15 से 7:12 सेकंड जब इसमें हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9:15 से 7:22 मिनट 12 सेकंड। 9:22 मिनट 12 सेकंड मतलब गुरु गुड़ और चेला चीनी हो गया। सारे शेर बहादुर बड़ा तेजी से आंसर कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे, शाबाश। मुन्ना, गोपाल भंडारी, सुनील, दीपक, सत्यजीत कुमार, बहुत अच्छे, सबका आंसर सही आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं मेरे बहादुरों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 फिर से आ जाओ। एक एक टाइप का 5-5, 6-6 क्वेश्चन, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन उठाया गया है। करा 1 मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है, उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया गया, तब वे दोबारा कब एक साथ बजेंगे? तो बोले सर पुनः, तो फिर वही बात बोल रहा है कि दोबारा कब एक साथ बजेंगे, तो देख लीजिए कि दोबारा कब एक साथ बजेंगे। तो तुरंत हम लोग 12, 16, 24 और 36 इसका एलसीएम निकालना शुरू किए। तो 12, 16, 24 और 36 का यदि एलसीएम निकालिए तो हमें लगता है 144 होगा, क्योंकि यदि जल्दी इसका हॉटट्रिक निकालना है कि जल्दी से हम एलसीएम कैसे निकालें, तो एक तो आप हाथ फैक्टर में तोड़ के निकाल सकते हैं, या छोटा है जिसका टेबल पढ़ना आसान है, सबसे पहले बड़ा को उठा लिया 36, तो 36 12 से कट रहा है, दोनों से नहीं कट रहा है, जबकि एलसीएम वो संख्या होता है जो सबसे कटना चाहिए। 36 को दुगना करेंगे, 36 दूनी 72, 72 भी 36 से कट रहा है, 24 से कट रहा है, 12 से 16 से नहीं, तो फिर उसको दुगना करेंगे, 72 दूनी 144, तो 144 36 से भी कटता है, 24 से भी कटता है, 16 से भी, यानी यहां 144 इसका एलसीएम होगा, यानी पुनः 144 मिनट बाद, 144 मिनट को जब हम घंटा में बदलेंगे तो यह आएगा 2 घंटे 24 मिनट। यदि पूछता कितना देर बाद पुनः एक साथ, तो 2 घंटे 24 मिनट बाद, लेकिन कितना बजे से, तो कितना बजे से मतलब आप समझ रहे हैं 6 बजे से, तो 6 बजे में जब 2 घंटा 24 मिनट जोड़िएगा तो 8:24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर? 8:24। सारे शेर बहादुर का आंसर सही है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। बंटी मिश्रा, संदीप, बीरेंदर, टुनटुन, नीरज, सबका आंसर सही आ रहा है, सभी का कमेंट आ रहा है मेरे बहादुरों, सभी का कमेंट आ रहा है। चलो आगे बढ़िएगा, 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए, देखते ही देखते। 3 अलार्म क्रमशः 10, 15, 30 मिनट के अंतराल पे बजते हैं, यदि वे एक साथ सुबह 9:30 पर बजे हैं तो फिर कितने बजे बजेंगे? ये रहा आपके लिए ऑफर धमाका, ये रहा आपके लिए होमवर्क ऑफर धमाका, इसका जवाब हम नहीं देंगे, अब इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अब ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, हर तरह के क्वेश्चन में इस प्रकार से टाइप बाई टाइप लाया हूं, ताकि अलग से कॉन्सेप्ट की जरूरत ना पड़े। जब एक ही टाइप के 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनाइएगा तो निश्चित है मेरे शेर बहादुरों आप मैथ सीख जाइएगा। यदि एक टाइप के 5-5 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन लाते हैं तो 1000 में 100-200 टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। 100-200 टाइप से ज्यादा मैथ है भी नहीं। क्या बढ़िया है, सबका आंसर आ गया। बहुत सारे बच्चे 10 बोल रहे हैं, कोई 10-30 बोल रहे हैं, बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं, कोई 10 बोल रहे हैं, कोई 10-30 बोल रहे हैं, बढ़िया है। कोई बच्चे 10 बोल रहे हैं, तो देखिए 3 अलार्म क्रमशः 10, 15, 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं, यदि भी एक साथ बजे तो पुनः, तो 10, 15 और 30 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो 10, 15, 30 का एलसीएम 30 मिनट तो हो रहा है, क्योंकि 30 ही वह छोटी संख्या है जो इस सबसे कट रहा है। तो बोलिए कि 60 मिनट का ही नहीं होगा, तो 60 भी सबसे कट रहा है, लेकिन एलसीएम का डिफिनीशन होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाए, तो 30 मिनट बाद पुनः, तो यहां 9:30 दिया हुआ, इसमें 30 मिनट जोड़िएगा तो कोई भी बता देगा कि 10 बजे पुनः एक साथ बजेगा। कितना बजे? 10 बजे, यानी हम कह सकते हैं मेरे शेर बहादुरों ऑप्शन नंबर बी। यहां पर बच्चे फंसे, बहुत सारे बच्चे 10-30 मार दिए हैं आंसर, बहुत सारे बच्चों ने 10-30 मारा है, जबकि इसका आंसर 10 बजे होना चाहिए।
बहुत सारे बच्चों ने 10-30, तो देखिए कंफ्यूजन है ना, तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं उसमें आप कंफ्यूज होते हैं, उस प्रकार का क्वेश्चन लाना जरूरी है, उसी प्रकार का क्वेश्चन लाना जरूरी है। क्लियर है भाइयों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, प्लेयर्स में कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आप इसी वे में देख पा रहे हैं, मेरा वॉइस सब बढ़िया से सुन पा रहे हैं, मैथ आपके सामने थर थर कांप रहा है या नहीं कांप रहा है? तो बोले सर ये टॉनिक बैच में भी तो वही क्वेश्चन लाए हैं जो पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मेरे शेर बहादुर हम आपको इतना पढ़ा ही दिए हैं कि कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा जो आप नहीं पढ़ चुके हैं, बस कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस ऐसा करना है कि एग्जाम में धोखा ना हो, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है तो हम लोग का रिजल्ट गिर जाता है। फिर से 3 घंटिया क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पे बजती है, ये प्रातः 11 बजे बजे हैं, तो एक साथ कितने बजे बजेंगे? होमवर्क हो गया, जल्दी से जवाब दो। इस क्वेश्चन को कहते हैं ऑफर धमाका, इस क्वेश्चन को कहते हैं ऑफर धमाका, इसका जवाब हम नहीं देंगे, जल्दी से फटाक से मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं, जल्दी बहादुरों। सबका कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका कमेंट नहीं आएगा। सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिया है, बहुत अच्छे मेरे बहादुरों, शाबाश। 3 घंटियां क्रमशः 15, 20, 30 मिनट के अंतराल पर बजती है, यदि ये प्रातः 11 बजे एक साथ बजी हो तो वे अब एक साथ कितने बजे? तो बोलिए सर 15, 20 और 30 का एलसीएम कौन नहीं बताएगा कि 60 होगा, बच्चा बच्चा बना देगा, तो 11 बजे से 1 बजे 60 मिनट, मतलब आप समझ ही रहे, तो जोड़ देंगे तो 12 बजे नून हो जाएगा, 12 बजे नून दोपहर हो गया, सबका आंसर सही हो गया, शाबाश मेरे बहादुरों। आगे बढ़ते हैं, तूफान के तरह बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, फिर से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 फिर से आपका ऑफर। 4 घंटियां क्रमशः 16, 24, 36 और 42 मिनट के अंतराल पर बजती है, यदि वे आखिरी पिछले 6 बजे प्रातः एक साथ बजे हो तो वे अगले कितने मिनट के पश्चात दोबारा एक साथ बजेंगे? तो 16, 24, 36, 42 का एलसीएम निकालिए। अब एलसीएम निकालने में आपका जो समय लगे, 16, 24, 36 और 42 का एलसीएम निकालने में कोई समय नहीं लगेगा, हॉट ट्रिक से एलसीएम निकालिए। क्या करेंगे, बड़ा बड़ा फैक्टर को हम लोग तोड़ लेंगे सह अभाज्य फैक्टर के रूप में, 16 है तो ये टूटेगा नहीं क्योंकि एक ही का 2 का ही गुणज है, 24 को 8 या 24, 36 को 9 चौका 36, 42 को 6 7 42 तोड़ सकते हैं, तो अभाज्य में तोड़िएगा 3 × 6 7 42। अब निकालते हैं हम लोग इसका एलसीएम, ठीक है, बढ़िया है। सबसे पहले 16 गुणा, उसके बाद में 9 उठा लेते हैं, 9 उठा लिए तो 3 की जरूरत नहीं है, और 16 उठा दिए 4 की जरूरत नहीं है, और एक आ गया 7। अब देखिए 16 × 144 को 7 से गुना करेंगे, 7 × 28 = 8 बच गया 2, 14 × 97 = 200, तो यहाँ पे आ गया, समझिए सिर्फ एलसीएम ही हम लोग का आंसर हो गया। सीधे बोल रहा है कि बताइए कितने मिनट के पश्चात, तो मैंने क्या बोला है कि जब कोई काम दोहराना हो तो केवल एलसीएम निकालिए, कितने मिनट के पश्चात, तो 1000 मिनट के पश्चात। क्या आप भी इस प्रकार का क्वेश्चन आप सभी से छूटेगा, क्या अब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आप सभी से छूटेगा मेरे बहादुरों? छूटेगा तो बताइए, हमें तो नहीं लग रहा है कि छूटना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर सही है। अरे कमेंट आ रहा है शुभंकर ठाकुर जी, चिंता काय कर रहे हो, सबका कमेंट आ रहेगा तो तुम्हारा काय नहीं आएगा, बढ़िया है, सबका सही है, धीरे धीरे स्पीड आ जाएगा, चिंता नहीं करो, केवल एलसीएम। अगला, 4 अलग अलग सड़कों पर क्रॉसिंग, ये सारे क्वेश्चन वो है जो पिछले साल सभी शिफ्ट में पूछे गए हैं, इसलिए ये VVI है, मतलब एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। 4 अलग अलग क्रॉसिंग 15 सेकेंड, 18 सेकेंड, 27 सेकेंड और 30 सेकेंड पर बदलती है, यदि वे क्रमशः 6:10 पर बदली है तो पुनः एक साथ कितने बजे? इसका एलसीएम निकालिए, 15, 18, 27 और 30 का, 15, 18, 27 और 30 का हमें लगता है कि एलसीएम 270 होना चाहिए,
आपको क्या लगता है ये बताइए। हमें लगता है कि एलसीएम होना चाहिए 215 है, 18 है, 27 है और 30 है। हमें लगता है मेरे बहादुरों कि इसका एलसीएम होना चाहिए था 270, 270। बाकी आप निकालिए, इसको 60 से भागा दीजिए, 6 चौका 24, 6 चौका 24 मतलब आप समझते हैं 4 मिनट 30 सेकंड हो जाएगा, 4 मिनट 30 सेकंड। ये मिनट है और ये क्या है, सेकंड है। तो कई बजे से 4 मिनट 30 सेकंड, तो 6:10 से 4 मिनट 30 सेकंड को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6:14 30 सेकंड। बोलिए सर अब तो हटाइए, अब तो बोर हो गए हैं मेरे बहादुरों। जिस टाइप एक टाइप का इतना क्वेश्चन बनाओ कि बोर हो जाओ, फिर कभी भूलो ही नहीं। 6:14 30 सेकंड। खैर कोई बात नहीं, अभी तो पार्टी शुरू है, अभी तो मजा ही मजा है, आनंद आ रहा है सभी को पढ़ने में, आनंद आ रहा है, अभी और आनंद आएगा, 2-3 क्लास और बीतने दीजिए, अभी और आनंद आएगा मेरे बहादुरों। और 20 दिन में अद्भुत बदलाव आप सभी के अंदर आएगा, आप सभी के अंदर अद्भुत बदलाव आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे कहता है ये 10वां नंबर क्वेश्चन भी वही है कि 3 घड़ियां क्रॉस क्रमशः प्रत्येक घंटे 2 घंटे, ध्यान दीजिएगा इसका लैंग्वेज, घंटे के मतलब हुआ 1 घंटे, आई तो 2 घंटे लिखवे किया, तो घंटे मतलब 1 घंटे कौमा 2 घंटे तथा 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई। ऐसा डिजाइन किया गया कि एगो 1-1 घंटा पर बनेगा, एगो 2-2 घंटा पर बनेगा, एगो 3-3 घंटा पर बनेगा। ठीक है मेरे शेर बहादुरों, तो यहां पे 1 घंटे 2 घंटे और 3 घंटे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, तुरंत हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 6 घंटे। तो अब यही डायरेक्ट पूछ ही रहा है कि यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब से वे कितने घंटे बाद बजेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको अब मानते हैं, तो अब से ही 3 घंटा पहले बजा था, 3 घंटे पहले, और इसके बाद 6 घंटा पर बजेगा, तो 3 घंटा पहले बजा था, 6 घंटा बजता है, तो अब से 3 घंटा बाद ना बचेगा, अब से 3 घंटा बाद बजेगा, अब से, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होना चाहिए 3 घंटा। अब देखिए ऐसा नहीं कि आप इसको नहीं जानते हैं, जानते हैं, फिर भी मैक्सिमम बच्चे आंसर मार रहे हैं 6 घंटा। तो देख रहे हैं, आप बोले कि सर आप हलवा हलवा क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का क्वालिटी देखिए, आप कमेंट से आपको पता चल जाएगा कि 90% बच्चे गलत कर सकते हैं इस क्वेश्चन, कमेंट से पता चल जाएगा कि 90% बच्चे कर सकते हैं गलत इस क्वेश्चन में। हालांकि है कुछ नहीं, हलवा है, सिर्फ एलसीएम निकालना है, 1-2-3 का एलसीएम आपका बाल बच्चा भी जानता होगा, कितना घंटे, 6 घंटे। लेकिन आंसर यहां 6 घंटे नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है कि यदि वे 3 घंटा पहले बजते हैं, अब से 3 घंटा पहले बजा है, और जिस समय से बजा है उस समय से 6-6 घंटा पर ही बजता है, तो अब से 3 घंटा पहले बजा है, तो अगला बजेगा 3 घंटा बाद ना, अगला बजेगा 3 घंटा बाद। अब सब सुधार लिया आंसर, टॉपिक चेंज करें, नहीं आप लोग का मांग था ना कि चैप्टर वाइज लाइएगा, तो टॉपिक तो चेंज होवे करेगा, तो इस प्रकार से लो टॉपिक चेंज कर दिए, लो टॉपिक चेंज कर दिए। लो सबसे पहले मैंने बेसिक और एडवांस पे ध्यान दिया है, टॉपिक चेंज, एक बच्चा का ऑर्डर आ गया कि टॉपिक चेंज, लो मेरे बहादुर टॉपिक चेंज हो गया। ये हो गया शांत और अशांत दशमलव, हालांकि मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बताए और यहां भी मैं आपको एक नोट लिखूंगा शांत और अशांत दशमलव का, एक नोट लिखूंगा शांत और अशांत दशमलव का। ये वाला क्वेश्चन भी मेरे बहादुरों आता है, ये वाला क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है पिछले बार ग्रुप डी में एनटीपीसी में, इसलिए आज के बाद आप कभी नहीं भूलिएगा शांत और अशांत दशमलव। केवल शांत दशमलव को पहचान जाइए, अशांत अपने आप पता चल जाएगा, शांत को पहचान जाइएगा, हल्ला करे वाला अपने आप पता चल जाएगा। तो देखिए, जब किसी भिन्न के, आप चाहें तो नोट लिख सकते हैं, जब किसी भिन्न के, जब किसी भिन्न के हर में, केवल हर को देखना है, अंश से कोई मतलब नहीं, केवल 2 या 5 अथवा दोनों का गुणज हो, तो वह शांत
दशमलव शांत दशमलव, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को लिख सकते हैं, शांत दशमलव होता है जबकि दो या पांच के अलावा, दो या पांच के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या, दो या पांच के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या हर में आ जाए, दो या पांच के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या हर में आ जाए, जैसे कोई भी अभाज्य संख्या मतलब बटा में तीन आ जाए, सात आए, दो भी है और तीन भी गुना में है, पांच भी है और सात भी है, तो समझिए कोई भी आ जाए तो वह अशांत होता है। क्या होता है? अशांत। इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपने भाषा में आप समझ जाइए कि जिसके बटा में मान लिया जाए कि कोई पी है, इसके बटा में दो है, दो गुना पांच है, या पी के बटा में कोई भी दो का गुना जाए, सोलह है, चौसठ है, कुछ भी, इस सब क्या होगा? शांत होगा। ऊपर कुछ भी रही शांत होगा, लेकिन एगो पी है नीचे दो है उसके साथ तीन भी गुना हो गया, या पी है नीचे सिर्फ सात है, तो इस सब क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो फिर से आप मेनली रूप से आप लैंग्वेज समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए कि किसी भी भिन्न के हर में केवल दो और पांच हो, या केवल दो या केवल पांच या दोनों का गुणज हो, तब वो दो अंक, तीन अंक, चार अंक, पांच अंक कभी भी जाके वो शांत हो जाएगा। लेकिन उसके अलावे कोई जहां एंट्री मार दिया तीन दो ऐसा कुछ भी, तो वो हमेशा अशांत होता है, तो वो हमेशा अशांत होता है। क्लियर हो गया मेरे बहादुरों? तो यहां पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, तो यहां पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शांत या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। शांत, शांत या टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि 32 है जो केवल दो का ही गुणज है, बाकी बोलिए कि इसमें तो 8 तिया 24 इसमें तीन भी आ गया, 16 तिया 48 उसमें तीन भी आ गया, 32 तिया 96 इसमें तीन भी आ गया, और दो पांच के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या आ गया, तो समझ जाइए मेरे बहादुरों कि वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। लेकिन यहां हमें शांत चाहिए, सबको सेटिस्फेक्शन है, सब सीख गए, अब धड़ाधड़ प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी किसी को तो बोलिए। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़े, चलो बताओ इसमें किसका कौन सा होगा आंसर, जल्दी से बताओ फटाफट। निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा? शांत दशमलव, तो बोलिए कि सर ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन देखिए, हमें शांत चाहिए, शांत। तो तीन से ही कट रहा है, 19 तिया 57 और 40 तिया 120, 40 को तोड़ेंगे, 8 पचे 40, अब देखिएगा ये 8 केवल 2 का गुना जाए, 5 तो 5 का, यही शांत हो गया, क्योंकि नीचे में केवल 2 और 5 या 2 5 दोनों कोई रहे तो शांत हो जाता है, बाकी सबको आप काट के देखिए, शांत होने वाला नहीं है, शांत होने वाला नहीं है। यहां भी हम लोग का आंसर ठीक है, बढ़िया है मेरे बहादुरों, बढ़े चलो। आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा? फिर शांत पूछना है, तो बोले सर पहला काटिए, 9 इकाई 9, 9 पचे 45, नीचे में केवल 5 आया, 2 और 5 ओनली आ गया, तो वो शांत होगा, यहां भी शांत दशमलव केवल पहला ही होगा, यहां भी शांत दशमलव केवल पहला ही होगा, ए ए ए अगेन ए, ए ही आते जा रहा है। बढ़िया लग रहा है पढ़ने में, आनंद आ रहा है या कोई तकलीफ है? बोलिए आनंद आ रहा है, अभी और एक दो दिन में आनंद आएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो बड़े चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव नहीं आएगी? पहले तो ध्यान दीजिए आवर्ती क्या होती है, ये समझिए इस लैंग्वेज के समझिएगा, आवर्ती दशमलव का मतलब होता है अशांत दशमलव, अशांत। तो आवर्ती यहां पे यह भी समझना है कि यदि हां बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो बोल रहा है मेरे बहादुरों कि निम्नलिखित में भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव नहीं आएगी, मतलब बताइए कि कौन है जो अशांत नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अशांत नहीं होगा, यहां पूछ रहा है कि कौन आवर्ती दशमलव नहीं आएगी, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि अशांत नहीं है, यानी कि पूछना चाह रहा है कि कौन शांत दशमलव है, मतलब जो अभी तक पूछा वही क्वेश्चन ही भी हो गया, लेकिन बस सिर्फ घुमा के पूछ दिया कि कौन अशांत नहीं होगा, आवर्ती नहीं होगा मतलब शांत होगा। तो चलिए काटिए, कुछ कट रहा है ऐसा जो अशांत बना दे इसको, तो बोलिया कि सर ऑप्शन चेक करेंगे, तो हमें तो डी लग रहा है, क्योंकि 7 से ही 3 बार में 3 7 21 और 7 से ही 8 बार में,
आठ बार में, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो जो शांत हो गया समझिए वो अशांत नहीं है, यानी आवर्ती नहीं है, यानी हम लोग सबका आंसर हो गया डी। वाह तेजी से, इतना तेजी कमेंट बॉक्स में आग लगा रहे हो आप लोग, बढ़िया है, चकाचक, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे बहादुरों, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। और सभी बैच अपने टाइम पर अब इसी पे लाइव हम लोग चलाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। वाओ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती, अब यहां पे पूछ रहा है कि आवर्ती कौन है, मतलब इसका क्वेश्चन पूछने का अर्थ समझिए, कौन आवर्ती है मतलब अशांत है, ये पूछना चाह रहा है कौन है जो अशांत है, अशांत। तो चेक करेंगे केवल हर, बोलिए सर 12 दुनी 24, 12 25 60, ये तो शांत हो गया क्योंकि नीचे में केवल 5, 6 चौका 24 और 6 से इसको काटेंगे तो 15 छक्का 90। अब 15 को यदि हम तोड़ेंगे तो 5 गुना 3, नहीं लग रहा है आपको कि इसमें 5 तो है, 5 के साथ 3 भी आ गया है, 5 के साथ 3 आने के कारण मेरे शेर बहादुरों ये जो हो गया क्या हो गया, अशांत हो गया, यहां पर हम लोग का अशांत हो गया, बाकी तो इसको काटे 24 का 24 5 120, तो ये शांत हो गया। हमें चाहिए आवर्ती मतलब अशांत, इसको काटे 6 चौका 24 6 5 30, ये भी शांत हो गया। तो जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई नीचे में आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई नीचे में आ गया वही अशांत होगा यानी आवर्ती होगा। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है, सबको आनंद आ रहा है सबको। चलो आ जाओ भाइयों क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा, मतलब यहां बोल रहा है कि शांत नहीं होगा, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि कौन अशांत है, कौन है जो अशांत दशमलव है, कौन है जो अशांत दशमलव है। तो बोले सर दिक्कत क्या है, काट दीजिए, कौन है जो अशांत दशमलव है, चेक करिए। तो बोलिए कि सर यहां पे यदि हम 3 से तो 9 3 27, यदि हम 3 से तो 16 3 48 यानी 160 बार में, 160 32 गुना 5 है, तो ये तो 2 और 5 का ना गुणज हो गया, यानी कि ये तो शांत है, हमें बोल रहा है कौन है जो शांत नहीं है, यही ना, 9 9 81 9 5 45 50 बार में, अब 50 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 25 गुना 2, तो ये भी शांत है क्योंकि नीचे 5 और 2 के अलावा कोई है ही नहीं। तो बोले सर उतना क्या कर रहे हैं, ये भी तो शांत ही हो जाएगा क्योंकि 5 और 2 का गुणज है, तो निश्चित है यही ये भी शांत हो जाएगा, कटे चाहे नहीं लेकिन 64 है तो 64 गुना 2 5 और 2 का गुणज है, तो यही वाला हम लोग का शांत नहीं होगा, आप काट सकते हैं, 2 0 2 0 8 24 9 5 45 सॉरी 15 45 आरतिया 24 15 45, अभी 15 जो है ये 5 गुना 3 है, तो 5 के अलावे 3 आ गया, मतलब यही शांत नहीं है मतलब अशांत है, ऑप्शन नंबर डी। सबका सही हो रहा है, सबका सही हो रहा है, कहीं पर से किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन फंसते हैं ना जी, अब कभी नहीं फंसिएगा। देखिए मैंने क्वेश्चन को पिछले साल को देखते हुए बनाया है, मे भी आप हमसे पढ़े हुए हैं तो आपको इजी ही लगेगा कुछ क्वेश्चन, लेकिन इसलिए मेरे शेर बहादुरों बनाए हैं ताकि ये सब क्वेश्चन में आप देखिए कहाँ नहीं है कहाँ हाँ है, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आपको आते हुए भी आप गलती मार सकते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, पीडीएफ डाल दिए हैं, पीडीएफ भी जा चुका है, इस क्लास के बाद आप सभी बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको इजी वे में बता देता हूं, टॉनिक बैच में जाइएगा, व्यू कोर्स में जाइएगा, ठीक है। पीडीएफ डाले कहाँ है, किस पे, मतलब या रिकॉर्डेड में पीडीएफ डाल दिया, पीडीएफ का एक अलग बनाने का ही है उसको। देखिए आप अपने बैच पे टच करिएगा मेरे बहादुरों, सारे बच्चे देख लीजिए, व्यू कोर्स में जाइएगा, देखिए अभी तो ये लाइव चल रहा है, ये शेड्यूल है, इसमें रिकॉर्डेड में डाल दिया गया है, हालांकि पीडीएफ नाम से एक और फाइल बनवा देंगे, इसमें जाइए व्यू पीडीएफ पर करिए, पीडीएफ आ जाएगा। पीडीएफ आप सभी को क्या करना है,
डाउनलोड करना है, थोड़ा सा प्रोसेस लिया, पीडीएफ आ गया। आ इसका हार्ड कॉपी भी निकाल लीजिएगा, पीडीएफ आ गया देख लीजिए बढ़िया से एकदम, पीडीएफ आ गया चकाचक। और पीडीएफ देखिए इधर से डाउनलोड करिएगा तो ये खाली मोबाइल में रहेगा, इधर से डाउनलोड करिएगा तो फाइल में चला जाएगा, फाइल में जाके आप इसका हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं। बाकी 50-50 का भी पीडीएफ मैं इसी पे सेपरेटली क्लास बाई क्लास भी डलवा दूंगा। तो टोटल पीडीएफ विथ आंसर डाला गया है, सारे बच्चे इसका पीडीएफ निकलवा लेंगे, सारे मेरे शेर बहादुर पीडीएफ, लास्ट में आंसर भी डाला गया है तो सारे बच्चे इसका पीडीएफ निकलवा लेंगे। खैर आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। चलिए आ जाइए, बढ़िया है, आ जाओ मेरे बहादुर। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करता है, आवर्ती दशमलव, आवर्ती मतलब अशांत, कौन है जो अशांत है। ये रहा आपके लिए ऑफर धमाका, इसका आंसर हम नहीं देंगे, इसका आंसर आपको देना है। जल्दी से आंसर दो फटाफट, जल्दी से आंसर दो मेरे शेर बहादुरों, जल्दी से आंसर दो तुरंत। और आप सभी बच्चे रेगुलर बने रहे, बिल्कुल फास्ट चलूंगा अरविंद कुमार, पहला क्लास है इसलिए थोड़ा सा स्लो चलना पड़ता है सारे बच्चों को मैनेज करके, पीडीएफ वीडीएफ भी देना है। कि ये वाला जैसे ही हम लोग का टॉनिक बैच खत्म होगा तो प्लेटफॉर्म निकाला है 1600 मैथ और 1400 रीजनिंग, जिसको भी मैं इसी पर आप सभी को फ्री में सॉल्यूशन दूंगा। तो सारे बच्चे जुड़ते चले गए, बढ़िया है, चकाचक हो गया, सारे बच्चे डीले आए, शाबाश मेरे बहादुरों। बोल रहा है कि कौन है जो आवर्ती है मतलब अशांत है, आप लोग मारे हैं कौन, डी डी। तो देखते हैं, ये तो कट नहीं रहा है क्योंकि 21 है और तीन से ज्यादा ज्यादा सत्य है 21, 30 या 90, तो 30 में तीन एगो आ गया, 10 आ गया, तो 5 के गुणज के साथ यदि कोई दूसरा आ गया तो समझिए अशांत हो गया, तो ये अशांत दशमलव हो जाएगा। लगभग मेरे बच्चों का आंसर सही है, मेरे सारे शेर बहादुर, मेरे भाइयों, मेरे बहन जो भी जुड़ी हुई है सबका आंसर सही है। आप जो भी बच्चे जुड़े हुए मैं कामना करता हूँ सभी का सिलेक्शन होगा, बस रेगुलर जुड़े रहे मेरे बहादुरों, एक भी बच्चे इधर उधर नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कमाल का है, देखिए कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे। अब कह रहा है आवर्ती नहीं देंगे मतलब ये कह रहा है कि अशांत नहीं होना चाहिए, अशांत नहीं होगा, कौन है जो अशांत नहीं होगा, यानी कि पूछना चाह रहा है, इसी लैंग्वेज को हम समझ नहीं पाते, यानी कि पूछना चाह रहा है कि कौन शांत है, ये पूछना चाह रहा है कि कौन शांत है, कौन शांत है। तो देख लीजिए 8×8=56, तो ये तो आवर्ती हो जाएगा, लेकिन हमें तो शांत चाहिए। यहां से 6×6=6, 6 से तो कट नहीं रहा है, 6 से कट रहा है, 14×4=56 होता है, तो ये मान लिया 3×2=6 और यहां पर 28×2, तो 28 में 7×4 आ रहा है, तो 7×4 आ रहा है तो निश्चित है इसमें भी 7 आ गया, तो ये अशांत है, हमें शांत चाहिए। 14×4=56, तो इसमें भी 7×4=7 आ गया, तो ये भी अशांत, लेकिन हमें अशांत नहीं चाहिए, शांत चाहिए। तो बोले सर देखने में ही तो लग रहा 8×7=56, नीचे में केवल 2 का गुणज है मतलब यही शांत है, ये शांत है मतलब ये अशांत नहीं है। हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, एकदम होश हवास में आराम से आंसर मारना है, होश हवास में आराम से आंसर मारना है मेरे बहादुरों, चिंता करने की जरूरत कहीं पर भी नहीं है। बढ़िया है, चकाचक सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसी भी मेरे शेर बहादुर को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। चलो आगे बढ़ जाओ, 18 पहुंच गए, देखते देखते आज सिर्फ पहला क्लास है इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है, लेकिन हम लोग आप तेजी से लपेटेंगे। मूल्यांकन करें, लीजिए चेंज हो गया टॉपिक, चेंज, बहुत सारे बच्चे का कहना था टॉपिक चेंज। मैं शुरू में वो क्वेश्चन लाया हूं जो आपको पढ़ने में आनंद भी आए और प्लस निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, मतलब ये सब ऐसा ऐसा टॉपिक है कि एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म है कि आपके शिफ्ट में रहना ही रहना है, लगभग लगभग तय है कि रहना है। तो यहां पे टॉपिक चेंज, अब आ गया रेकरिंग वाला क्वेश्चन। रेकरिंग का तरीका भी मैंने आपको बताया, यहां देखिए इसका मूल्यांकन कीजिए, तो 623 पर रेकरिंग है, पॉइंट कटेगा तो बटा में 2×9। ये रेकरिंग होता क्या है, जब अशांत संख्या दशमलव के बाद आते जा रहा कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, कटने का जब नाम नहीं ले रहा है मेरे शेर बहादुरों,
कटने का नाम नहीं ले रहा है तो उसी को शांत करने के लिए ऊपर से डंडा मारा जाता है, उस डंडा को ही रेकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेकरिंग कहते हैं। तो दो अंक दो गो पर रेकरिंग है, दो गो नौ डाल दिए, इस पर रेकरिंग नहीं, उसके बदले सुनना और छह घट जाएगा। 623 में से छह घटाएंगे तो बचेगा 617 और बटा में 990। 617 बटा 990 ऑप्शन में है तब तो ठीक है, और नहीं है तो हम ऊपर नीचे काट भी सकते हैं, बेरहमी से काट सकते हैं, हम लोग काटने में माहिर हैं। बढ़िया है सबका आंसर, मेरे सारे शेर बहादुर ने धड़ल्ले से आंसर दिया। चलो आ जाओ अब इसका मान हम लोग निकालते हैं। 0.18 है, रेकरिंग है, पॉइंट काटेंगे 18 बटा, एक अंक पर रेकरिंग है, एक गो नौ, इस पर रेकरिंग नहीं है, जीरो एक घटेगा, 18 में से एक घट गया 17, 17 बटा 90 होना चाहिए और 17 बटा 90 है ऑप्शन नंबर बी। पिछले साल ग्रुप डी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी इतने मजे से आंसर कमेंट कर रहे हैं, शाबाश, बड़े चलो वीर तुम, बड़े चलो धीर तुम। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ मेरे बहादुरों। क्वेश्चन नंबर 21, कमाल का क्वेश्चन है भाइयों, कमाल का क्वेश्चन है। देखो 0.0654 पर, अब यहां पे रेकरिंग हटाते समय ध्यान दियो, जैसे कि पॉइंट कट जाएगा, रहेगा 654, दो अंक पर रेकरिंग है तो दो गुना, लेकिन इधर दो अंक पर रेकरिंग नहीं है, जीरो और छे, भले जीरो का वैल्यू नहीं है लेकिन दशमलव के बाद है तो है, तो इसलिए दो अंक पर छे नहीं है रेकरिंग, तो दो गो शून्य, और जिस पर रेकरिंग नहीं है वो घटेगा, यानी 0.6 इसमें घटेगा। तो जब 0.6 घटेगा 954 में, ध्यान दीजिएगा 654 में जब 0.6 घटेगा यानी 6 घटेगा तो बचेगा 648, 648 अब बटा 9900। अब 648 और 9900 को हम लोग काटने का प्रयास करेंगे, तो काटते हैं, कुछ तो ऐसा संख्या होगा जो इसको काट सकता है, मान ले बड़ा नहीं तो छोटा तो सोच सकते हैं जो इसको काट सकता है। 6, 4, 10, 8, 18, तो 9 से तो कम से कम काट ही सकता है, 9 से काटने में तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि 18 से भी काट सकता है। चलिए हम 9 से ही काट लेते हैं, 9 7 63, 1 बच गया, 9 2 18, 9 से 9 कहना है, 9 कहना 9 0 0। चले नहीं कुछ लग रहा है तो ऊपर 72 है और नीचे अंतिम में डबल सुनना है, तो वैसी संख्या जिसके अंतिम में डबल सुनना हो उसको 4 से काट सकते हैं, तो 4 से 18 चौके 72, 4 से इसको काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे तो कई बार में, तो बोलिया कि सर 4 2 8, हमको लगता है 275 बार में ही कट जाना चाहिए, हमें लगता है, यानी फाइनली हम लोग का आंसर ऊपर 18 और नीचे 275 होना चाहिए, 18 बटा 275 है ऑप्शन नंबर ए, और लगभग शेर बहादुर का आंसर सही है। बढ़िया, 18 बटा 277 मार रहा है सब जी, गलती कर दिए क्या? कुछ कुछ बच्चे मान रहे हैं 18 बटा 275, हम गलती किए या आप लोग का गलती हुआ, एक बार कमेंट करिएगा। पीडीएफ दे दिया गया है जी, अरे भाई पीडीएफ दे दिया गया, शुभंकर ठाकुर अभी ना बताया कि डाउनलोड कैसे करना है पीडीएफ, पीडीएफ डाल दिया गया है, सारे बच्चे डाउनलोड करके उसका कॉपी निकाल लीजिएगा और कॉपी निकाल के उस पर पिनअप कर दीजिएगा और ऊपर से अपना 5 रुपया वाला प्लास्टिक लगा दीजिएगा, किताब बन जाएगा, ये सही है। चलो भैया ये सही है, बहुत अच्छे, शाबाश, आगे बढ़ते चलो, क्वेश्चन नंबर 22 में पहुंचाएंगे हम लोग। सोचिए कि टॉपिक बाई टॉपिक 5 टॉपिक डेली खत्म कर लेंगे 50 क्वेश्चन में, मजा ही मजा है। इसको देखिए, रेकरिंग हटाएंगे तो 987, दो अंक पर रेकरिंग न है, दो गो नौ, दो अंक पर रेकरिंग है, दो गो नौ, दो अंक पर रेकरिंग न है, दो गो सुनना और 0.9 घटेगा। अब आप ही समझो 987 में से जब 9 घटाएंगे तो आ जाएगा हमको लगता है 978 और बटा 9900, 978 बटा 9900 को नहीं कुछ तो 3 से तो काट ही सकते हैं, 3 से 3 3 9, 26 3 78, तो इसको 3 से 3 3 9, 3 3 9, फाइनली 326 बटा 3300। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये नहीं कटेगा, ये अभी भी कट सकता है, लेकिन 326 बटा 3300 आंसर दिया है तो ये आंसर हो जाना चाहिए।
326 बटा 3300 आंसर दिया है, तो ये आंसर होना चाहिए। आप देख लो बढ़िया से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? लेकिन बोलिया कि सर आप कैसे कर रहे हैं, ऊपर वाला भी तो आंसर हो सकता है। देखिए दो से जब काटेंगे, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो ये 163 बार में ही कटेगा, और दो से जब काटेंगे तो 1650 बार में, तो 163 बटा 1650 भी तो हो सकता है। जब ऐसा कन्फ्यूजन हो तो फिर पहला ऑप्शन आंसर मारेंगे, ऐसा कन्फ्यूजन हो तो फिर पहला ऑप्शन आंसर मारेंगे, क्योंकि है ये भी सेम ही है, लेकिन दिक्कत है कि काट छाट के ये आ रहा और पहले जो मिल गया वो आंसर हो गया। यदि ऐसा गलती किया तो हाँ डाउनलोड भी कर लिए, चलो भैया बढ़िया है, बहुत सारे बच्चों ने तो डाउनलोड भी कर लिया है। अरे कमेंट तो हो ही रहा है भाई, सबका कमेंट हो रहा है, बकलोल बहुत पीटेंगे तुम लोग को। बढ़िया है, चकाचक, कोई दिक्कत? बिल्कुल बिल्कुल, पीडीएफ में भी आंसर डाला हुआ है, आ जाओ। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल का मजेदार क्वेश्चन है, बच्चों को फंसाया था पिछले साल, 99% बच्चे को फंसा दिया था पिछले साल, सबको फंसाया ये क्वेश्चन, लेकिन इस बार हम लोग इसको दौड़ाएंगे। पिछले बार सबको फंसाया था, इस बार हम लोग इसको दौड़ाएंगे। इसका आंसर देखते ही आप दो मार दिए होंगे, कैसे दो मार दिए होंगे, क्योंकि 0.41 रेकरिंग है, ये रेकरिंग हटेगा तो 41/9, तब बोल रहा है कि यदि इस प्रकार के रेकरिंग को हम 99.n टाइम्स लिखें तो बताइए n का मान क्या होगा। तो बोले सर दो अंक तक रेकरिंग है तो दो बार n आएगा, जय बार n आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, दो जितना बार n आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर चौथा। बढ़िया है चकाचक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चलो सुपर फास्ट चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा 0.56 के तुल्य है, दशमलव पुनरावृत्ति को प्रदर्शित करता है, ये पॉइंट काटेंगे बटा में 99, हम लोग का आंसर हो गया 56/99, कट रहा है तो काटो नहीं तो यही, इसी को ही दर्शा रहा है। अब रेकरिंग हटाने के लिए आप पूरी तरीका से सीख चुके होंगे, कहीं पर से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं पर से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़िया है मेरे बहादुरों, ये बुक्स आपको पसंद आएगा, 100% काम आएगा। बाकी आगे हम लोग बुक पे काम कर रहे हैं, नए विद्यार्थी के लिए नया बैच फाउंडेशन का न्यू असाइनमेंट के साथ आएगा, जिसमें हम पूरे किताब को मात्र 3 छोटा छोटा वॉल्यूम में बांट रहे हैं, जिससे SSC रेलवे किसी भी एग्जाम का तैयारी करने वाले बच्चे हों, आपसे विशेष विनती है कि अभी से ही उनको यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करें और बोलें कि कुछ कुछ पढ़ते रहिए। उसके बाद जब वो ज्वाइन करेंगे तो 6 महीना के अंदर उनका मैथ बूस्ट कर जाएगा। अधिकतर बच्चे अभी भटकते रहते जाते हैं, 5-6 साल तक की मैथ कहां पढ़े। खैर आ जाइए, 25 नंबर हम लोग पहुंच गए, बड़ा आनंदित करने लायक प्रश्न है ये। कह रहा है कि 2.50 का सही अभिव्यंजन क्या है। बोले सर 2.56 है रेकरिंग, है रेकरिंग हटेगा तो 2.56/99 हो जाएगा। अब 2.56/99 यदि ऑप्शन दिया हुआ है तो फिर लॉलीपॉप हो गया, कहीं पर से कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं सुपर फास्ट अंदाज में, 26 नंबर क्वेश्चन। अब यहां पर से हुआ टॉपिक चेंज, मैंने आपको बोला है कि मैं शुरू में वही क्वेश्चन लाया हूं पहले जो पिछले दफा बहुत परेशान किए थे और छोटा छोटा क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन हो गए थे। ये VVI टॉपिक है, इसको मैं पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं, इस बार भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आ जाइए ज्योमेट्री का टॉपिक। कराऊपर दिखाए गए वृत्त में जीवा AB, एकदम आराम से पढ़िए, बहुत सारे बच्चे ज्योमेट्री का फोटो आता है डर जाते हैं, जबकि सुबह 6 बजे माँ के सपनों वाली क्लास में मैं टॉपिक बाई टॉपिक एडवांस ही करवा रहा हूं। तो AB एक जीवा है, इसको हम बढ़ाएं D तक, तो यह स्पर्श रेखा DE तक मिलता है। अब इसका फोटो खींचिए, इससे फोटो कीजिए और दिमाग में जो मेमोरी कार्ड है उसमें सेव करिए। इसमें मैंने आपको कितना बार चिल्ला चिल्ला के बताया कि जब किसी वृत्त के जीवा को बढ़ाने पर स्पर्श रेखा से मिले, जब किसी वृत्त को जीवा से बढ़ाने पर स्पर्श रेखा से मिले, जब किसी वृत्त को जीवा से बढ़ाने पर स्पर्श रेखा मिले, तो मेरे लाडलो स्पर्श रेखा की लंबाई यानी DE² = A से कटान बिंदु B से कटान बिंदु यानी AD गुना BD।
इसको याद रखिएगा हमेशा, इसको दिमाग में मेमोरी कार्ड में सेव कर लीजिए। इस फोटो को जब किसी वृत्त के जीवा को बढ़ाकर स्पर्श रेखा से मिलाते हैं तो स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर बराबर होता है ए से कटान बिंदु, बी से कटान बिंदु। अब यहां पे देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। डी से डी पर मिले, यदि ए भी पांच है, ए भी कितना है, ई वाला पांच दिया गया है, ए भी पांच है और क्या है डी छह है, डी क्या है छः है, तो बोल रहा है कि बी क्या होगा, तो बी को हम एक्स मान लेते हैं। डी स्क्वायर बराबर यानी छः के स्क्वायर बराबर ए डी, ए डी मतलब हो जाएगा पाँच प्लस एक्स, अब बी डी तो बी डी हो जाएगा एक्स, तो बोल रहा है बी डी का मान। तो बोलिए सर कमाल है, छः के स्क्वायर छत्तीस बराबर पाँच प्लस एक्स इंटू एक्स रहेगा, तो इसको हल करेंगे कि एक्स का मान डायरेक्ट पुट करिए ऐसा कि 36 आ जाए। तो बोलिए सर दिक्कत क्या है, हमें तो लग रहा है कि एक्स का मान 4 होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम एक्स का मान 4 रखते हैं तो 5 4 9 और फिर यहाँ पर 4 रखेंगे, 9 चौका 36, सेटिस्फाइड हो गया मेरे बहादुरों, हम लोग का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, हम लोग का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया है, चकाचक और स्पीड से चले सुपर फास्ट अंदाज में, बहुत अच्छे मेरे बहादुरों, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़िए, 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर। नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी को स्पर्श रेखा डी ई से मिलाने के लिए बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है, यदि ए बी बराबर 9 और बी डी बराबर 3 हो तो डी ई की लंबाई क्या हो। ए बी बराबर 9 और बी डी बराबर, तब फिर तो वही बात हो गया, फिर तो वही फोटो है, क्या है ए बी बराबर 9 है और बी डी बराबर 3, तो अब डी की लंबाई जब किसी जीवा को बढ़ा के स्पर्श रेखा से मिलाया जाए तो स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी गुना बी डी, ए डी गुना बी डी, ए डी गुना बी डी, तो डी का स्क्वायर बराबर हो गया एडी कितना, तो बोले सर एडी हो जाएगा 9 3 12 और बीडी हो जाएगा 3 तो 12 3 36, तो डी के स्क्वायर बराबर 36, इसलिए हमें लगता है कि डी का मान 6 होना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है अपना अपना विचार कमेंट करिए, सभी को 6 लगता है। मेरे सारे शेर बहादुर यहाँ वही वही सिलेक्टेड बच्चे आए हैं जिसको सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है, यानी इस बार आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में सिलेक्शन का तांता लगने वाला है, बोलो यस और नो। इस बार आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में कम संख्या रहते हुए भी अधिकतम सिलेक्शन होगा, यस और नो एक बार कमेंट करेंगे सारे बच्चे, यस और नो एक बार कमेंट करेंगे सारे शेर बहादुर। 28 आ जाइए, नीचे दिए गए जीवा ए बी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है, जीवा ए बी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है, चलो बढ़िया है, डी से मिलाने के लिए ए बी 24 है, ए बी कितना है 24 है और डी कितना है डी 9 है, तो बी डी पूछ रहा है, तो बोलिए सर इस फिगर में होता है स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर यानी डी डी के स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी, ए डी गुना बी डी, तो D हो गया 9, 9 के स्क्वायर बराबर AD कितना हो जाएगा, तो 24 प्लस X अब BD X हो जाएगा। आप सोचिए कि 9 के स्क्वायर 81 होता है बराबर 24 प्लस X इंटू एक्स। अब सोचिए मेरे बहादुरों कि X के स्थान पे हम क्या पुट करेंगे, X के स्थान पे हम क्या पुट करेंगे कि निश्चित रूप से मेरे शेर बहादुरों 81 आ जाए। तो बोले सर 3 पुट करिए ना, 3 आए यहाँ 24 3 27, 27 3 81, बच्चा बच्चा जानता है, यानी हम लोग का आंसर ये होना चाहिए। बढ़िया है, चकाचक है, आनंद है, सारे बच्चे एक दूसरे का कमेंट पढ़ पा रहे हैं, यानी कि यूट्यूब वाला आनंद आ रहा होगा, YouTube पर पढ़ने वाला मजा आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, बड़े चलिए तूफान की तरह आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 29 पहुंच गया है जी, अब थोड़ा सा और क्वेश्चन है। कह रहा है कि नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी, फिर से वही क्वेश्चन, जीवा ए बी को बढ़ाए हैं डी तक मिलाए हैं, तो डी के साथ बिंदु डी पर मिला है, ए बी 6 है, ए बी 6 है, बी डी 2 है, तो बोल रहा है डी क्या है, वाट, तो बोलिए सर इसका वाट लगाते हैं ना, डी स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी, डी स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी, तो डी स्क्वायर ए डी तो 6 2 8, बी डी तो बी डी कितना 2,
यानी 8 × 2 = 16, तो डी स्क्वायर बराबर 16 यानी डी बराबर कितना हो जाएगा 4। डी बराबर कितना हो गया मेरे शेर बहादुरों 4। बढ़िया है, बहुत अच्छे, शाबाश। कुछ बच्चे रूट बार आंसर मार रहे हैं जी, गलती तो नहीं कर दिया हम लोग? ऐसे मैक्सिमम बच्चे 4 आंसर मार रहे हैं। देखिए इसीलिए ना, अब एक टाइप के आप 2-3 क्वेश्चन बनाइए तो आप उब जाइएगा, सर एक टाइप के काहे क्वेश्चन ला रहे हैं। इसीलिए तो बनाते हैं कि इस बार अपने आप को ऐसा फौलाद बना लेना है कि एग्जाम में गलती से भी गलती ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करके इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी एग्जाम प्रेशर के कारण गलती करते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा होने ही नहीं देंगे, हम लोग ऐसा होने ही नहीं देंगे। आ जाओ, फिर से वही क्वेश्चन है और इसमें आपको आंसर देना है। ये आपके लिए ऑफर धमाका है, पढ़ो जल्दी से पढ़ो, और ये आपके लिए ऑफर धमाका है, इसका जवाब आपको देना है। दिए गए वृत्त में रेखा ए बी को डी बिंदु तक स्पर्श रेखा डी के साथ मिलान तक बढ़ा गया, ए बी का मान 7 है, मैं दर्शा देता हूं ए बी का मान क्या है, 7 है। ए बी का मान क्या है, 7 है, ठीक है। और डी का मान क्या है, 12 है। डी का मान कितना है, 12 है। ए बी का मान 7 है, डी का मान 12 है। BD की लंबाई पूछ रहा है, BD को आप X मान लीजिए। हम देखते हैं सबसे पहले कौन सही जवाब देता है, जल्दी से बताओ मेरे बहादुरों। आप लोग एक बात जान लीजिए, हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं सिलेक्टेड दे रहे हैं, जल्दी से। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर 9 मार दिया, यानी हम तुरंत फिर से लिखेंगे डी के स्क्वायर बराबर एडी गुना बीडी, डी के स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी। तो डी के स्क्वायर यानी 12 के स्क्वायर बराबर ए डी, तो ए डी हो जाएगा 7 प्लस एक्स, और गुना बी डी कितना हो जाएगा एक्स। अब सोचिए 12 के स्क्वायर 144 बराबर 7 प्लस एक्स इंटू एक्स। अब सोचिए, कुछ नहीं करना है ज़्यादा कैलकुलेशन, सोचिए कि हम x का मान क्या रखें कि 144 आ जाए। तो हम सोचते सोचते सूझा हमको कि 9 यदि हम यहाँ पे रख देते हैं ना, तो देखिए 9 × 7 = 16, 16 × 9 144 सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी हम लोग का आंसर 9 हो गया। बोलिए सर आप अभी सोच रहे हैं, क्वेश्चन क्लिक होते ही हम सोच लिए, यही तो हम चाहते हैं कि आप में इतनी शक्ति, इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ्य आ जाए कि क्वेश्चन आपके सामने थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा। आ जाओ मेरे बहादुरों, 31 नंबर कहता है, एक वृत्त में जीवा ए बी को डी पर स्पर्श रेखा डी को स्पर्श करने के लिए विस्तारित किया गया है। समझ पा रहे, विस्तारित किया गया है। अब यहां फिगर नहीं है, यदि ए बी 24 और बी डी 8 है तो डी की लंबाई ज्ञात करें। अब यहां पे फिगर नहीं है, फिगर आपको बनाना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है कि सब में फिगर रहेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को लाए कि फिगर आपको बनाना पड़ेगा, तो बनाइए। तो फिगर बनाए तो आपको क्या पता चला कि एक वृत्त है, इसका जीवा ए बी को हमने बढ़ाया, कहां तक बढ़ाया, डी तक, और यहां से डी एक स्पर्श रेखा है। अब कह रहा है क्या कि ए बी का मान 24 है और बी डी का मान 8 है, तो पूछ रहा डी का मान व्हाट। तो बोलिए कि सर फिगर नहीं दिया तो भी आप सीख गए, डी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी गुना बी डी, ए डी गुना बी डी। तो बोलिए सर डी के स्क्वायर बराबर ए डी, तो 24 × 8 कितना हो जाएगा, बोले सर 24 × 8 = 32, अब बी डी 8, गुना भी कर सकते हैं आप, 8 × 4 = 32, सॉरी 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16, 6 24 256। आप सोचिए डी के स्क्वायर 256 है, तो कौन नहीं बता देगा कि डी का मान 16 होगा, डी का मान 16 होगा, ऑप्शन नंबर सी। मेरे सारे शेर बहादुर बता सकते हैं कि डी का मान 16 होगा। बढ़िया है, चकाचक, कहीं पर से किसी को कोई दिक्कत, सबका आंसर सही। आ जाओ मेरे बहादुरों, ये 32 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, ऑफर धमाका, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ऑफर धमाका, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़िया है, चकाचक, आ जाओ मेरे भाई, आनंद ही आनंद है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा ऑफर धमाका लास्ट वाला, और यहां से चेंज हुआ टॉपिक, समझ रहे हैं, टॉपिक चेंज,
ठीक है, एडजस्टमेंट किए हैं क्वेश्चन का कि नहीं? अभी तक तो आसाने लग रहा होगा, लेकिन बाद में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है कि एक क्लास में 50 क्वेश्चन पार नहीं लग पाएगा, अभी आसान लग रहा होगा। अब किए हम लोग टॉपिक चेंज, और टॉपिक हो भी क्यों ना, यदि हम टॉपिक बाई टॉपिक करेंगे तो 100% बढ़िया है। कहता है मेरे बादलों की एक सम बहुभुज के आंतरिक कोण और बहिष्कोण का अनुपात 4:1 है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या। बोले सर आप हलवा बना दिए। कभी भी पहला तरीका तो यह है, इसका बेसिक तरीका आप पढ़ लीजिए पहले, बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या है? तो बेसिक मेथड में एक नोट जान लीजिए, हम पॉलीगॉन में हालांकि मास्टर वीडियो में पढ़ाए भी है, किसी भी सम बहुभुज में, चाहे वो कईयों भुजा करे, किसी भी सम बहुभुज में अंतःकोण और बहिष्कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। किसी भी समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, दिमाग में छप जाना चाहिए। और किसी भी समबाहुभुज के बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो यहां पे देखिए अंतःकोण और बहिष्कोण का रेशियो दिया है, दोनों मेथड से मैं आपको बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। अंतःकोण और बहिष्कोण का रेशियो दिया है, क्या दिया है? तो यहां पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, जबकि अंतःकोण आंतरिक कोण बहिष्कोण का औसत ये रेशियो है 4:1। बोलिएगा कि सर अंतःकोण बहिष्कोण का रेशियो 4:1 है, और अभी आपने ताजा बताया कि अंतःकोण बहिष्कोण का योग 180 होता है, तो 180 की तुलना 4:15 से। देखिए रेशियो यहां भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है मेरे बादरों, योगफल की तुलना योगफल से बहिष्कोण निकालना है 1 से, 36 × 5 = 180, यानी 36 डिग्री। 36 डिग्री क्या निकला? बहिष्कोण निकला। और किसी भी समबहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालना हो तो आप प्रयास करिए अंतःकोण से बढ़िया बहिष्कोण निकल जाए। क्या निकल जाए? बहिष्कोण निकल जाए, क्योंकि यहां भुजाओं की संख्या बराबर होता है, भुजाओं की संख्या यानी n बराबर होता है 360/θ, जहां थीटा क्या होता है? बहिष्कोण। तो 360/बहिष्कोण कितना लाए? 36, यानी कि भुजाओं की संख्या 10 हो गया। तो यहां से आपने क्या सीखा? पहला पॉइंट सीखा कि किसी समबहुभुज में मेरे बहादुरों अंतःकोण और बहिष्कोण का योग होता है 180 डिग्री, दोनों का रेशियो दे ले, बहिष्कोण निकालिए, 360 में बहिष्कोण से भागा देंगे भुजाओं की संख्या निकल गया, 360 में बहिष्कोण से भागा देंगे भुजाओं की संख्या निकल दिया। ठीक है मेरे बहादुरों, ठीक है, बढ़िया है, आनंद है। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा मेथड बताते हैं, हाउ ट्रिक। यदि अंतःकोण बहिष्कोण का, यदि अंतःकोण बहिष्कोण का n गुना हो, समझिएगा n गुना हो, तो भुजाओं की संख्या, यदि अंतःकोण बहिष्कोण का n गुना हो तो भुजाओं की संख्या होगा 2n+2। तो यहां पे देखिए अंतःकोण 4 है, बहिष्कोण 1 है, यानी कई गुना हो गया? 4 गुना। तो माइंड में ही कैलकुलेट करेंगे कि एन गुना है तो 2n+2, तो 4 गुना है तो 2 × 4 + 2, 4 × 2 = 8, 2 = 10, नो पेन नो पेपर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 4 × 2 = 8, 2 = 10 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा खाना नहीं खाया है, हम भी बिना खाए पढ़ा रहे हैं, अरे आज स्टार्ट करना था तो बिजी थे कल से ही, ये बच्चा लोग उम्मीद लगाए हुए है। अरे भाई शुभंकर तुम बंगला में कमेंट करता है, समझ में नहीं आता यार, हिंदी में कमेंट करो। चलो बढ़ते हैं आगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34। 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 7 भुजाओं वाले बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? तो बोलिया कि सर एन बराबर जब 7 दिया हुआ है, तो आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया होगा, आप पढ़े होंगे बहुभुज कि आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, अभी भी मैं बता देता हूं। आंतरिक कोणों का, एन भुजा वाले समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, किसको किसको याद है जरा कमेंट करना, n − 2 × 180 डिग्री। आंतरिक कोणों का योग n − 2 × 180 डिग्री, आंतरिक कोणों का योग
एन माइनस टू गुना 180 डिग्री, बढ़िया है। चलो बढ़िया है मेरे बहादुरों, तो n माइनस टू यानी 7 माइनस दो गुना 180 डिग्री, 7 में दो गया 5 गुना 180 यानी 18 पचे 90 900, तो यहां पे होना चाहिए मेरे बहादुरों 900 ऑप्शन नंबर डी। सबका ठीक है, बढ़िया है, चकाचक है, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री का है तो भुजाओं की संख्या कितनी है। अब देखिए प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री है, प्रत्येक ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, प्रत्येक आंतरिक कोण है जो 108 डिग्री है, प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री है, तो निश्चित रूप से प्रत्येक बहिष्कोण कितना होगा। बोलिए सर यहां भुजा पूछ रहा है तो आप बहिष्कोण निकालने के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं, तो चुटकियों में आंसर आएगा। इसलिए हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें आंतरिक कोण 108 डिग्री है, तो बहिष्कोण 180 माइनस 108, बहिष्कोण जो हो जाएगा 180 माइनस 108, 180 में से 108 घट जाएगा तो 72 डिग्री, तो बहिष्कोण निकालने से क्या फायदा हुआ, तो फायदा ये हुआ कि भुजाओं की संख्या n बराबर होता है 360 बटा बहिष्कोण। आगे हम लोग का 5, तो कभी अंतःकोण भी दिया हुआ है ना तो बहिष्कोण निकाल लीजिए, 360 बटा बहिष्कोण कर दीजिए, 360 बटा बहिष्कोण कर दीजिए, आनंद आ जाएगा, बढ़िया चकाचक। आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग का हो जाएगा। अब एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1440 है, तो बहुभुज में कितने विकर्ण है। विकर्ण तो तब मालूम होगा जब भुजा मालूम होंगे, तो पहले यहां पे भुजा हम लोग निकालते हैं। हम सभी जानते हैं कि आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, आंतरिक कोणों का योग फॉर्मूला होता है एन माइनस टू गुना 180 डिग्री, और आंतरिक कोण का योग दिया हुआ है 1440। एन माइनस टू गुना 180 होता है किसी भी समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, और यह दिया हुआ है 1440। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 18 8 144, तो एन बराबर माइनस टू उधर जाके जुटेगा तो 8 2 10, तो भुजाओं की संख्या एन हो गया। इसलिए विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला किसको किसको याद है जरा बताएगा, नहीं याद है तो अभी याद कर लेना। एन भुजा वाले समबहुभुज के विकर्णों की संख्या होता है एन इंटू एन माइनस थ्री बटा टू, एन भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या होता है एन इंटू एन माइनस थ्री बटा दो, 10 गुना 10 में 3 गया 7 बटा दो, 2 पचे 10 7 पचे 35, 7 बटा दो 2 पचे 10 7 पचे 35, बढ़िया चकाचक है, आनंद है मेरे बहादुरों। अरे भाई भूख तो हमें भी लगा है, लेकिन आवाज का क्लास तो कम से कम देख लिया करो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37। एक समबहुभुज का आंतरिक कोण 150 है, तो यह बहुभुज कैसा है। तो बोले सर कैसा क्या है, हम सभी जानते हैं कि जब आंतरिक कोण, मतलब इसमें यह पूछना है कि भुजाओं की संख्या कितनी है तभी ना उसका नामांकन करेंगे। यदि 3 भुजा आएगा तो त्रिभुज, 4 भुजा आएगा चतुर्भुज, 5 भुजा आएगा पंचभुज, 6 भुजा आएगा षष्ठभुज, 8 भुजा आएगा अष्टभुज, बढ़िया है ना, ये वाला ठीक हुआ ना, ये तो हो ही गया होगा हमें लगता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पे आंतरिक कोण है कितना, तो बोले सर आंतरिक कोण जैसे ही हमने देखा कि 150 है, आंतरिक कोण जैसे ही हमने देखा 150 है, तो लिखे नहीं दिमाग में ही हम बहिष्कोण 30 डिग्री ले आए, क्योंकि अंतःकोण बहिष्कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन बनाने से सारा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, ऐसे आप रट रहे होंगे, लेकिन 3-4 क्वेश्चन आ गया इस पर आधारित कि अंतःकोण बहिष्कोणों का योग 180 होता है, जिसमें 150 है तो 30 डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री हो गया तो आप भुजा निकालिए, 360 बटा बहिष्कोण यानी 30 काटेंगे तो 12, भुजाओं की संख्या पूछेगा 12, और 12 भुजा वाले को बोलते हैं द्वादश भुज,
एक भुज, दो भुजा, तीन भुजा वाले को तेरह भुज, चार भुजा वाले बहुभुज को चतुर्भुज, पांच भुजा वाले को पंचभुज, छह भुजा वाले को षष्ठभुज, सात भुजा वाले को सप्तभुज, आठ भुजा वाले को अष्टभुज, नौ भुजा वाले को नौभुज, दस भुजा वाले के दस भुज, ग्यारह भुजा वाले को एकादश भुज, बारह भुजा वाले को द्वादश भुज। तो यहाँ पे सारे बच्चे ने आंसर दिया द्वादश भुज, द्वादश भुज ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया चकाचक। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 का था, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण अपने बहिष्कोण के से कितना है? 36 डिग्री अधिक है। अंतःकोण बहिष्कोण का अंतर दिया हुआ है इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या। तब बोलिए कि सर यानी कि अंतःकोण बहिष्कोण का अंतर 36 डिग्री दिया हुआ है और योगफल तो हम ही लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। नहीं समझ रहे? अंतःकोण बहिष्कोण का अंतर दिया हुआ 36 डिग्री और योगफल तो हम पहले जानते हैं 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बहिष्कोण, चूंकि बहिष्कोण छोटा होता है। और याद करिए हम रेशियो में ही बताए थे क्या कि जब दो राशि का अंतर और योगफल दिया रहे, यहां हम सभी जान रहे हैं कि अंतःकोण बहिष्कोण का अंतर बोल रहा है 36 डिग्री, तो दिमाग में आया योगफल हो गया कितना 180 डिग्री। और दो राशि का योगफल और अंतर दिया रहे, बड़ा हमेशा अंतःकोण ही होता है, तो बड़ा निकालना जोड़ के आधा, छोटा निकालना घटा के आधा। तो सबसे पहले हम बहिष्कोण निकालेंगे, तो ये दोनों को घटा के आधा, 180 में से 36 घटा 144 बटा 2, यानी केवल प्रत्येक बहिष्कोण पूछता ना तो 72 डिग्री, बहिष्कोण पूछेगा तो 72 डिग्री, बहिष्कोण पूछेगा तो 72 डिग्री, लेकिन भुजाओं की संख्या तो 360 बटा बहिष्कोण, यानी मेरे बहादुरों 5 हो गया। तो यहाँ पे घुमा के पूछा है तो हम लोग भी घुमा के लपेट दिए, घुमा के पूछा है तो हम लोग भी घुमा के लपेट दिए। कुछ बच्चे 10 आंसर मार रहे हैं जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल शुरू से अंत तक सारे बच्चे टिकेंगे, ऐसा कह के नहीं टाल देंगे कि बाद में वीडियो देख लेंगे, वीडियो तो रहेगा ही लेकिन लाइव देखने के बाद, बाद में रिवीजन करिए तो उसका आनंद ही कुछ अलग आएगा। और ये सारे क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते जाइएगा। आ जाओ मेरे बहादुर, एक समबाहुभुज के कोणों का योग 160 डिग्री है, इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो हम सभी जानते हैं कोणों का योग मतलब समझ रहे हैं आंतरिक कोणों का योग ही कहेगा, कोणों का योग, क्योंकि 22 कोणों का योग तो कितनों भुजा रहे 360 होता है, कोणों का योग कह दिया, समझिए आंतरिक कोणों का योग कह दिया। अब आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला होता है क्या होता है आप सभी को पता है, एन माइनस टू गुना 180 डिग्री बराबर 2160, एन माइनस टू गुना 180 डिग्री बराबर 2160। तो आप क्या करते हैं इसको काट देते हैं आराम से, एक शून्य से एक शून्य, 18 से 18 क्या 18, 3 बज के 18 दूनी 36, दो जाके उधर जुड़ जाएगा तो n बराबर 14, यानी यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 14, भुजाओं की संख्या कितनी हो गई मेरे शेर बहादुरों, हमें लग रहा है 14। बढ़िया है, आराम से समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? देखिए पीडीएफ मैंने दिया है और पहली बार मैंने इस प्रकार का मिक्स क्वेश्चन का बुक आप सभी को दिया है, बुक पब्लिश करना भी मुश्किल था इसलिए जल्दी जल्दी में, तो कुछ त्रुटियां रह जाए तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा और अगले बार से और प्रयास करूंगा कि इम्प्रूवमेंट करके दिया जाए। समझ पा रहे हैं ना, हो सकता है कुछ गलतियां 1-1% हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा और इम्प्रूव करके दूंगा, एडजस्टमेंट को और बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बढ़िया है, चलो आगे बढ़ जाओ। अब हम लोग मंजिल के करीब हैं, मात्र 10 क्वेश्चन और हैं। कहता है एक समबाहुभुज जिसके प्रत्येक आंतरिक कोण 168 है, जैसे ही बोला प्रत्येक आंतरिक कोण 168 है तो दिमाग में आ गया प्रत्येक बहिष्कोण, क्या आ गया प्रत्येक बहिष्कोण कई डिग्री, तो बोले सर 180 में 168 घटा दीजिए 12 डिग्री, प्रत्येक आंतरिक कोण और बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है, आंतरिक कोण जैसे ही 168 आया दिमाग में आ गया मेरे शेर बहादुरों, दिमाग में आ गया कि बहिष्कोण 12 डिग्री, बहिष्कोण जैसे ही 12 डिग्री आया तो भुजाओं की संख्या एन बराबर 360 बटा बहिष्कोण, 360 बटा 12 तो 12 36, यानी भुजाओं की संख्या 30, भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 30। बढ़िया चकाचक। सर बायलिंगुअल होता तो और मजा आता, दीपक ठाकुर। अगला बार से जो असाइनमेंट मैं बना रहा हूं प्रयास करूंगा, चूंकि इसे हड़बड़ी में मैंने बनाया तो प्रयास करूंगा कि बायलिंगुअल रखा जाए ताकि सारे बच्चे लाभ उठा पाए। ठीक है, धीरे धीरे सारी सुविधाएं देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आ जाइए 41 नंबर, कह रहा है कि 27 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला तो आप सभी को याद है, विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है,
तो विकर्णों की संख्या होता है n इंटू एन माइनस थ्री बटा टू, तो n कितना हुआ 27, इंटू 27 में 3 गया 24 बटा दो। अब काटो, इसको काटने के लिए इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से फटाक से काटो। एन इंटू एन माइनस थ्री बटा टू, एन इंटू एन माइनस थ्री बटा टू, अब मिला लोगे आंसर, बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, 19 भुज वाले विकर्णों की संख्या पूछ रहा है, तो फिर से मैं लिखता हूं एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, तो 19 इंटू 19 में से 3 घट गया तो कितना बच जाएगा 16 बटा 2। चलो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो फटाफट, विकर्णों की संख्या जल्दी से मेरे बहादुरों, आगे बढ़ते हैं, बड़े चलो। 43 में कहता है एक नियमित अष्टभुज के आंतरिक कोणों और एक नियमित द्वादश भुज, अष्टभुज मतलब 8 भुजा, द्वादश मतलब 12 भुजा के आंतरिक कोणों के माप का अनुपात क्या होगा। तो बोलिए कि सर हम ऐसे भी कह सकते हैं, 22 को निकाल के भी निकाल सकते हैं, एक बार 360 बटा 8 कर दिए और एक बार 360 बटा 12 कर दिए, तो 8 से ही हम काटेंगे तो 45 बार में 45 डिग्री, 12 से काटेंगे तो 30 डिग्री, तो ये जो निकला 22 को निकला। आप डायरेक्ट फॉर्मूला से आंतरिक कोण भी निकाल सकते थे, बहिष्क कोण कैसे निकला, तो 360 बटा बहिष्क कोण करते हैं तो भुजाओं की संख्या निकलता है, तो 360 बटा भुजाओं की संख्या करेंगे तो बहिष्क कोण निकल जाएगा, तो यहां अष्टभुज है मतलब 8 भुजा, तो 360 बटा 8 किए तो बहिष्क कोण 45 डिग्री, द्वादश भुज है यानी 12 भुजा, 360 बटा 12 किया तो दूसरका के बहिष्क कोण 30 डिग्री, लेकिन पूछ रहा है हमें आंतरिक कोण। तो बोले सर कौन नहीं जानता है कि किसी भी समबाहुभुज के बहिष्कोण और आंतरिक कोण का योग 180 होता है, इसमें 45 यदि बहिष्कोण हो तो आंतरिक कोण 135 डिग्री होगा, 30 यदि बहिष्कोण हो तो आंतरिक कोण 150 डिग्री होगा। अब काटेगा तो 15 नमा 135, 15 दहें के 150, यानी कि 9:10 होना चाहिए, 9:10 होना चाहिए। आप बढ़िया से देख लीजिए, सारे शेरबहादुर बढ़िया से देख लेगा आराम से, कोई दिक्कत परेशानी। हमने क्या किया, फटाफट अष्टभुज बोला, 360 में 8 से भाग दिए, बहिष्कोण आ गया 45 डिग्री, और जिसका बहिष्कोण 45 हो उसका अंतः कोण 135 लाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहिष्कोण अंतः कोणों का योग 180 होता है, जिसका बहिष्कोण 30 हो तो अंतः कोण 150 हो गया। बढ़िया है सबका, चलिए सबका अच्छा है, चकाचक है, आ जाओ मेरे भाई। 26 भुजाओं वाले समबाहु विकर्णों की संख्या, तो फिर यहां भी n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, एन इंटू एन माइनस थ्री, 26 इंटू 26 में से 3 घट गया तो 23 बटा 2, बाकी का तो काम आपका करना है, कैलकुलेशन है, जल्दी से आप सारे शेर बहादुर कैलकुलेशन कर लो। बढ़िया है, 19 भुजा वाले, तो बोले ये तो अभी बताए सर, 19 गुना 19 में से 3 घट गया n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, ये तो रिपीट हो गया 16 बटा 2, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रिपीट हो गया है, एकाधु क्वेश्चन रिपीट भी होगा ही होगा। अब यहां पे आ गए पूरक और संपूरक कोण, यानी यहां पे हो गया टॉपिक चेंज, ये सारे टॉपिक पिछले दफा लगभग लगभग शिफ्ट में रिपीट किया गया था, और लगभग लगभग शिफ्ट में रिपीट किए जाने के कारण ही मेरे शेर बहादुरों मैं इस सब क्वेश्चन को शुरू में टॉपिक वाइज बनाया, बाकी लास्ट में तो मिक्सअप आपको क्वेश्चन खतरनाक मिलेगा ही। कहता है दो पूरक कोण 11:7 के अनुपात में, तो छोटा कोण क्या होगा, तो जान लीजिए पहले संपूरक, या इसी को बोलते हैं अनुपूरक, ये अनुपूरक जैसे संपूरक लिखा रहता है तो सबको पता चल जाता है, लेकिन अनुपूरक में गड़बड़ाता है, और एक होता है पूरक, या इसी को बोलते हैं कोटिपूरक। तो ज्यादा लंबा चौड़ा हम भाषण नहीं देंगे, बस इतना ही बोलेंगे कि दो कोण संपूरक या अनुपूरक होगा कब, जब योगफल 180 डिग्री हो। दो कोण संपूरक या अनुपूरक कब होगा, जब योगफल 180 डिग्री हो, और दो कोण पूरक या कोटिपूरक कब होगा, जब योगफल 90 डिग्री हो। दो कोण पूरक या संपूरक कब होगा, जब योगफल 180 डिग्री हो, और दो कोण पूरक या अनुपूरक कब होगा, जब योगफल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो मेरे बहादुरों। तो क्लियर हो गया, यहां बोल रहा है कि दो पूरक कोण यानी योगफल 90 डिग्री, तो 11:7 में बांटा गया है, तो बोल रहा है छोटा कोण ज्ञात करिए, तो इसी को ना बांटे हैं, तो रेशियो से बस ये याद रहना चाहिए, 90 की तुलना 11:7 18 से, छोटा कोण निकालना है तो 7 से,
18 पचे 90, 7 पचे 35 डिग्री, यानी छोटा कोण हो गया 35 डिग्री। तो मेन ये वाला याद रखिएगा, ये कंफ्यूज कर देता। अनुपूरक के मतलब भी होता संपूरक, और कोटिपूरक के मतलब होता है पूरक। यही दोनों नाम आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बढ़िया है। पीडीएफ, पीडीएफ आप ही के फाइल में है जी, उसका अलग से पीडीएफ नहीं बना दिए हैं, वो रिकॉर्डेड में डाला हुआ है। पीडीएफ करके वो अलग जैसे बनाए हैं उसमें दिखाएगा। अच्छा 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 समझ गया। ओके ओके, हाँ आ तो रहा है, पीडीएफ आ रहा है जी, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा सारे बच्चे। चलो आ जाओ, चार क्वेश्चन और बच रहा है, चौका मार देते हैं। एक कोण संपूरक उसके पूरक के तीन गुना है, समझिए कितना मजेदार है। एक कोण का संपूरक उसके पूरक के तीन गुना है, मतलब एक कोण ले लेते हैं पहले, नहीं एक कोण का संपूरक उसके पूरक के तीन गुना से 15 अधिक है। ये 15 अधिक लिख दिया तो थीटा मानना पड़ेगा, हम कोण को पहले थीटा मान लेते हैं। अब इसका पूरक कितना होगा, तो इसका पूरक हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसका संपूरक कितना हो जाएगा, तो इसका संपूरक हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि दो कोण पूरक कब होते हैं, जब जोड़ के 90 डिग्री, जिसमें एक आप कोण को मेन कोण को थीटा मान लिए तो निश्चित है उसका पूरक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मेन कोण को थीटा मान लिए तो उसका संपूरक 180 माइनस थीटा। अभी पूरक और संपूरक में क्या संबंध है, बोला एक कोण का संपूरक उसके पूरक के तीन गुना से 15 अधिक है, मतलब जो बोला वो लैंग्वेज में लिख देते हैं, बोला एक कोण का जो संपूरक है उसी के पूरक के तीन गुना से 15 डिग्री अधिक है। एकदम जो बोला है उसको लैंग्वेज में मैंने लिखा है कि एक कोण का जो संपूरक है उसी के पूरक के तीन गुना से मेरे शेर बहादुरों 15 डिग्री। तब बोलिया कि सर जी एक संपूरक है जो पूरक के तहत, संपूरक किसका कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा, पूरा किसका कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके तीन गुना से 15 अधिक है। तो यही बोल रहा है कि कोण का मान क्या है, मतलब थीटा का मान क्या है। सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे मेरे शेर बहादुरों। बढ़िया है, तो यहां पे मेरे शेर बहादुरों देख लीजिए, 180 माइनस थीटा बराबर 3 से गुणा करेंगे तो 9 × 3 = 27, 270 माइनस 3 थीटा प्लस 15। अब 3 देखिएगा, 270 और 15 जोड़ेंगे तो 295 होगा। 3 थीटा को हम इधर लाएंगे और थीटा ही माइनस में है तो बच जाएगा 2 थीटा। और यहाँ देखिए 270 और 15 जोड़ेंगे तो 295 में 180 जाके घटेगा, 295 में 180 घटेगा तो हमें लगता है कि 105 होगा। तो थीटा बराबर 52.5 डिग्री हो रहा है, थीटा बराबर 52.5 डिग्री हो रहा है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोलिए, एकदम जो क्वेश्चन बोला है वो कर दिए, बाकी लेफ्ट राइट करने में तो आप माहिर हैं, लेफ्ट राइट करने में तो आप सभी बच्चे माहिर हैं, कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाइयों, अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक कोण जो अपने अनुपूरक का 1/5 है, अनुपूरक मतलब जानते हैं ना संपूरक, अनुपूरक मतलब क्या हो जाएगा संपूरक, मतलब जोड़ के कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो बोल रहा है कि एक कोण है जो अपने ही अनुपूरक का 1/5 है, किसका 1/5 है, अपने अनुपूरक का, अनुपूरक में क्या लगा अनुपूरक 5 तो कोण 1,
हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि एक कोण है जो अपने ही अनुपूरक का एक बड़ा पांच है, यानी अनुपूरक पांच तो कोण एक, अनुपूरक पांच तो कोण एक, अनुपूरक पांच तो कोण एक। तो बोल क्या रहा है मेरे शेर बहादुर कि वह कोण डिग्री में कितना होगा, कोण पूछ रहा है। तो बोले सर अनुपूरक और उसका कोण मिला के 180, यहां दोनों मिला के कितना 6, कोण पूछ रहा है। तो 1 से 6 18, यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए 30 डिग्री। फटाफट सारे बच्चे 30 डिग्री मारो। तीस डिग्री सारे बच्चे फटाफट मारो। बढ़िया है सबका। दो सौ 95 हम बोल रहे थे पिछला में, अरे बोल देते हैं कभी कभी, ये 285 ही होगा और 180 जाके 285 घटेगा तो 105 हो गया होगा, मिस्टेक बोल रहे हैं। बाकी आंसर सही है, ठीक है, यह भी ठीक हो गया। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49। यदि दो संपूरक कोण 4:5 के अनुपात में है तो बड़ा कोण ज्ञात करिए। तो बोलिए सर 4:5 है और संपूरक कोणों का योग 180 होता है, तो इसकी तुलना 9 से, बड़ा कोण निकालना है 5 से। जल्दी से काटो छाटो, इसको काटने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको काटने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये हुआ मेरे शेर बहादुरों 50 नंबर क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, मतलब लगभग 6 या 7 टॉपिक आज हम लोग पढ़े, 6 या 7 टॉपिक का संपूर्ण रिवीजन हुआ। देखिए ये कोई मतलब नहीं है कि मतलब कि एनटीपीसी का हाई कटअप किया है तो केवल हार्ड क्वेश्चन को ही सेलेक्ट करके बढ़ा पढ़ा जाए, बाकी सबको भूला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिलेक्शन चाहिए तो चालाकी से पढ़िए, हर तरह के क्वेश्चन पे रिवाइज करिए। अभी आगे देखिए ना, 1000 खत्म होते होते किसी दिन ऐसा भी लगेगा कि आपका सर दर्द कर रहा है, अभी मजा भी आएगा, किसी दिन सर भी दर्द करेगा। तो हर क्वेश्चन से रूबरू होइए ताकि कैसा भी स्थिति हो हम लोग नाश्ते नाबूद कर दें, ठीक है। यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात कितना है, 13:5, तो बोल रहा है दोनों में अंतर, संपूरक कोणों का योग 180 होता है, यहाँ पे योगफल कितना है 18, अंतर पूछ रहा है, तो 13 और 5 का अंतर 8 होता है, तो 18 से 10 बार में, यानी यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 80 डिग्री। सारे शेर बहादुर बोलेंगे क्या आज का क्लास मजेदार रहा,